हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्वेंटी फोर्थ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली फर्स्ट अस्ट्रजेनेका ब्रिटेन सेकंड फाइजर यूएसए एंड थर्ड मॉडर्ना यूके तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज ए वन एंड टू फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करेक्ट है थर्ड इज इन करेक्ट एक्चुअली ये सारे नाम जो यहाँ पे दिए गए हैं वो कंपनीज के नाम है कंपनीज विच आर इन द रेस टू प्रिपेयर द वैक्सीन फॉर द कोविड नाइनटीन एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड दोनों ने ये कोलाबरेशन किया है दोनों ब्रिटेन से है तो फर्स्ट करेक्ट होगा फाइजर जो है वो यूएसए की कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली क्लेम किया था कि उनकी वैक्सीन जो है वो 95 परसेंट इफेक्टिव है एंड मॉडर्ना जो है वो भी यूएसए की कंपनी है राइट right? उन्होंने भी सेम फाइजर की तरह मॉडिफाइड आर एन टेक्नोलॉजी को यूज करके वैक्सीन बनाई है बट इट इट इज बेस्ड इन यूएस नॉट यूके इस वजह से थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगी आंसर इज ए वन एंड टू सो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है अस्टेने उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि देर वैक्सीन इज सेवेंटी इफेक्टिव इट इज चीपर देन द रेस्ट ऑफ दिन विच विल अवेलेबल तो इस वजह से ये वैक्सीन की रेस जो है वो अभी न्यूज में रहती है क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ आर करेक्ट अबाउट पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर फर्स्ट गवर्नर कैन पार्डन द पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ सेकेंड कम्युनशन मीन्स रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस बाय गवर्नर यूजिंग धिस पावर तो चलिए दिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज डी वन नॉट नेक्ट है गवर्नर के पार्डनिंग पावर्स की बात करें तो ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट से थोड़े डिफरेंट है अगर हम गवर्नर के पार्डनिंग पावर की बात करें कैन पार्डन द पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड अंडर स्टेट लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं ऐसे लॉस के अंदर अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है तो उसी पर्सन को गवर्नर जो है वो पार्डन कर सकते हैं यहाँ पे एनी लॉ लिखा था इस वजह से ये गलत है प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल लॉ के अंदर जिसको कन्विक्ट किया गया होगा उनको पार्डन कर सकते हैं और गवर्नर जो है वो स्टेट लॉस के कन्विक्टेड को पार्डन कर सकते हैं तो फर्स्ट इनकरेक्ट होगा सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज़ कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है लाइटर फॉर्म अगर मान लो कि किसी को डेथ सेंटेंस डिक्लेयर की गई है तो वो डेथ सेंटेंस को आप रिगरस इंप्रिजनमेंट या फिर लाइफ uh, प्रेजमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये लाइटर फॉर्म जब डिक्लेयर किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं कहते 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 हैं। हैं हैं। रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ सेंटेंस को क्या रेमिशन अगर मान लो कि किसी को 10 साल की सजा हुई है और उसको रिड्यूस करके 5 साल की सजा की गई है तो गवर्नर के पास ये रेमिशन ऑफ सेंटेंस का पावर है कम्यूटेशन का मतलब होता है लाइटर फॉर्म तो दोनों स्टेटमेंट गलत है आंसर इज डी वन नॉर टू सो राजीव गांधी के में जो कन्विक्टेड है उनको रेमिशन के द्वारा गवर्नर के पार्डनिंग पावर्स जो है वो फिर से न्यूज में रहे थे कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं आर्टिकल 161 के अंडर आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म असेंशियल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फर्स्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस सेकेंड राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज थर्ड फ्रीडम टू एक्सेस इंटरनेट तो चलिए लिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज डी वन टू एंड थ्री ये तीनों जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के असेंशियल पार्ट है फ्रीडम ऑफ प्रेस फिर राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज उसी के चलते राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया एंड एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फ्रीडम टू एक्सेस इंटरनेट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सुप्रीम कोर्ट ने कब डिसाइड किया था जब रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट शटडाउन चला था उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट right है सो so, अभी केरला के अंदर जो ऑर्डिनेंस के द्वारा एक लॉ के अंदर अमेंडमेंट किया गया था जिसके चलते पुलिस को ये पावर दिया गया था कि ये जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है उसको वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं तो इसके चलते ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो न्यूज में रहा था तो अभी वहां पे ये पर्टिकुलर बिल जो है उसको होल्ड पे रखा है एंड वहां के चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि वी विल सीक डिबेट ऑन दिस अमेंडमेंट तो इसके चलते आज के न्यूज में ये न्यूज आर्टिकल भी था और एक छोटा सा एडिटोरियल जो है वो भी दिया गया था क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रिसेंट रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑफ आरबीआई फर्स्ट इट अलाउड लार्ज कॉर्पोरेट ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसेस लार्ज कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल हाउसेज टू बी प्रमोटर्स ऑफ प्राइवेट बैंक सेकेंड करेक्ट तो आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज सी बोथ टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये recently, ने जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया था दलाउज दी ऑफ लार्ज कार्पोरेट इंटू प्राइवेट बैंक तो उसके चलते ये न्यूज आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस जो है वो अभी प्राइवेट बैंक के अंदर प्रमोटर बन सकते हैं दे कैन बी अ पार्ट ऑफ प्राइवेट बैंक तो फर्स्ट करेक्ट होगा सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है एनबीएफसी को आप बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जैसे कि एनबीएफसी की मिनिमम असेट साइज जो है वो फिफ्टी थाउजेंड करोड़ होनी चाहिए मिनिमम टेन इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए तो ऐसी कंडीशंस अगर फुलफिल होती है इन दिस केसिस एनबीएफसी कैन बी कन्वर्टेड इन टू बैंक जैसा कि हमने देखा कि मूव टू अलाउ कॉर्पोरेट्स टू सेटअप बैंक अट्रैक्ट फ्लैक दूसरा क्वेश्चन है उसी टॉपिक uh, के बारे में विच ऑफ दर करेक्ट कॉम्पोनेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑफ आरबीआई फर्स्ट मोर कैपिटल विल बी रिक्वायर टू एस्टेब्लिश न्यू बैंक सेकेंड

कि इसको इंक्रीज किया जाए रूपीज वन थाउजेंड करोड़ तो अभी कोई भी नई बैंक एस्टेब्लिश करनी हो तो मिनिमम थाउजेंड करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए तो ऐसा उन्होंने रेकमेंड किया है ऑल्सो दे रेकमेंडेड टू इंक्रीज दी दिस थ्रेश लिमिट फ्रॉम करंटली टू टू हंड्रेड करोड़ टू थ्री हंड्रेड करोड़ फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक

मिनिमम इतनी कैपिटल होने होनी चाहिए तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए तो ये सब कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो पेमेंट बैंक कैन बी कन्वर्टेड इन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूटेड एरियाज आर रिलेटेड टू चाइना फर्स्ट डोकलाम सेकेंड गलवान एंड थर्ड तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज डी वन टू एंड थ्री ये तीनों एरियाज़ जो है डिस्प्यूटेड एरियाज़ एंड दे आर रिलेटेड टू चाइना डोकलाम जो है इट इज अ ट्राई जंक्शन एरिया बिटवीन इंडिया भूटान एंड चाइना ये इंडिया भूटान चाइना के बीच में ट्राई जंक्शन है डोकलाम काफी न्यूज में रहा था कुछ साल पहले वहां पे जो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था इसकी वजह से गलवान वैली जो है वो अभी इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से न्यूज में था इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू चाइना नाइन डैश लाइन जो है इट इज एरिया विच इज क्लेम्ड बाय चाइना इन द साउथ चाइना सी साउथ चाइना सी के अंदर चाइना जो एरिया क्लेम कर रहा है वहां पे उन्होंने ऐसे नाइन डैशेस बनाए हैं तो ये नाइन डैश लाइन जो है वो एरिया चाइना कवर क्लेम कर रहा है साउथ चाइना सी के अंदर तो ये आंसर होगा डी वन टू एंड थ्री सो अभी भूटान के बॉर्डर के पास जो विलेज विलेज है वो एक डिस्प्यूटेड लैंड बन चुका है बिकॉज मीडिया क्लेम्स इट इज ऑन चाइनीज टेरिटरी क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली इनेक्टेड अ लॉ टू पेनलाइज पीपल फॉर सपोर्टिंग इलीगल स्ट्राइक अगेंस्ट असेंशियल सर्विसेज। फर्स्ट मध्य प्रदेश सेकेंड गुजरात थर्ड महाराष्ट्र एंड फोर्थ ओडिशा तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज डी ओडिशा ओडिशा ने ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है टू पिनलाइज पीपल फॉर इलीगल स्ट्राइक जितने भी असेंशियल सर्विसेज है जैसे पब्लिक सर्विसेज है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो ये सब के अगेंस्ट अगर कोई इलीगल स्ट्राइक करता है या फिर उसको सपोर्ट भी करता है तो ऐसे लोगों को पेनलाइज किया जाएगा ओडिशा ने ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है क्वेश्चन नंबर एट द इलेक्शन कंडक्टिंग ऑथोरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सवाल ये कहना चाहता है कि इनमें से किसकी इलेक्शन कंडक्टिंग ऑथोरिटी जो है वो दूसरों से अलग है फर्स्ट स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली सेकेंड लोकसभा थर्ड बाईपोल्स या एंड फोर्थ जिला परिशत. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज डी जिला परिषद ये तीन इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है एंड जिला परिषद के जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है तो इसके चलते इसके इलेक्शन जो है वो है वो डिफरेंट फ्रॉम थ्री आंसर इज सो अभी राजस्थान के अंदर ये पंचायत इलेक्शन हुए हैं जिसके अंदर 62 परसेंट टर्नआउट रेशियो आया है और उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी थी वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फर्स्ट द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इंडिकेट्स क्रिटिकल मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एंटिटी सेकेंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अबो वन इंडिकेट्स दैट कंपनी हैज हायर रिस्क तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है टू बुक वैल्यू का रेशियो uh, का मतलब क्या होता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू की कंपैरिजन में बुक वैल्यू के बीच में रेशियो क्या है right? तो it indicates critical market value of any entity. ये ये करेक्ट होगा। अब अगर ये एक से ज्यादा है इसका मतलब होगा कि कंपनी की पोजिशन जो है वो काफी अच्छी है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो काफी अच्छा है और वहां पे कोई रिस्क नहीं है मतलब कि अगर वहां पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सामने हैंडफुल रिटर्न मिलेगा तो अबोव वन इंडिकेट्स दैट कंपनी हैज लोअर रिस्क तो इस वजह से ये सेकंड जो है वो गलत होगा आंसर इज ए वन ओनली सो ये आर्टिकल के अंदर यहां पे ये पूरा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो इंडिकेट किया गया है और इसी पैराग्राफ के अंदर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा कि इफ द रेशियो इज अब वन इट इंडिकेट दैट मार्केट बिलीव दैट द कंपनी कैन ग्रो एंड जनरेट रिटर्न ऑन इक्विटी और अगर एक से कम है तो ये इंडिकेट करता है कि डज नॉट बिलीव दैट द बैंक रिकॉग्नाइज्ड ऑल इट्स बैड लोन्स एंड हैज बिजनेस मॉडल टू डिलीवर रिटर्न अबोव दर्डल रेट क्वेश्चन नंबर टेन द के कव डेपिक्ट फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी सेकंड इनकम इनइक्वालिटी थर्ड स्पेंडिंग हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स एंड फोर्थ इनइक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल एंटिटीज तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज डी इन बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल एंटिटीज इसका आंसर भी आपको इसी आर्टिकल के अंदर मिलेगा विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट दी के कव के कव का मतलब क्या होता है डेपिक द इनक्वालिटी एग्जिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल एंटिटीज इसका मतलब ये होता है कि अगर वाइडनिंग आर्म्स ऑफ के वुड इम्प्लाय दैट इन इक्वालिटी इज इनक्रीजिंग अगर मान लो कि ये का नेरोप दैट द इन इक्वालिटी इज लोअर ओके फ्रेंड्स तो आज के टेन एमसी क्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू